भारत में 1962 का भारत चीन युद्ध एक शर्मनाक हार के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन उस फौजी का क्या जिसने युद्ध लड़ा, जिसने सामने से लहर दर लहर आती दुश्मन की फौज का तब तक सामना किया जब तक उसकी बंदूक में गोली और संगीन में धार बची रही, जिसने जान दे दी लेकिन अपने बेकार हो चुकी टांग कटवाने से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि बिना टांग के वो अपनी फौज को सेवा नहीं दे पाता आगे। क्या 1962 का युद्ध उस सिपाही के लिए भी सिर्फ हार का सबब था? सुनिए कहानी और आप खुद डिसाइड कीजिए। शायद हार की आपकी परिभाषा में फुल स्टॉप से पहले कहीं कोई अल्प विराम जुड़े। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। उन्नीस सौ बासठ का युद्ध, सीमा पर चीन की चढ़ाई और भारत का जवाब, क्यों हुआ, कैसे हुआ युद्ध का हम सब जानते हैं। सीधे बैटल फील्ड पर चलते हैं इसीलिए। अरुणाचल प्रदेश तब नेफा था, उसका तवांग जिला, यहां से 37 किलोमीटर दूर पड़ता है बुमला पास। चीन और भारत के बीच जो 5 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स हैं, बुमला भी उनमें से एक है। बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट यानी वो नियत बिंदु जहां सीमा विवाद निपटारे के लिए दोनों देश के फौजी अफसर मुलाकात करते हैं। मुलाकात तब भी हुई थी 1962 में, लेकिन तब दोनों सेना युद्ध के मैदान पर थी। बुमला पास की लड़ाई 23 अक्टूबर से शुरू हुई। इससे पहले 20 अक्टूबर को चीन ने नामकाचूक नदी के किनारे तैनात भारतीय पोस्ट पर हमला किया और उन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो आगे तवांग की ओर बढ़ने लगे। तवांग तक पहुंचने के रास्ते में बुमला दर्रा पड़ता था। हालांकि बुमला दर्रा कहना गलत है क्योंकि तिब्बती भाषा में ला का मतलब दर्रा ही होता है। बुमला तक पहुंचने में चीन को 3 दिन लगे। 23 अक्टूबर की रात तक बुमला की दूसरी तरफ उनकी अच्छी खासी संख्या तैयार हो गई। इसके बाद सुबह 4:30 बजे चीन की फौज ने भारतीय पोस्ट पर गोलीबारी शुरू की। 600 चीनी फौजी असम राइफल्स की पोस्ट पर चढ़ाई के लिए आगे बढ़े। भारतीय जवानों ने जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ ही देर में इस पोस्ट पर चीन का कब्जा हो गया। तवांग अब सामने था, लेकिन इससे पहले ही पास मौजूद ट्विन पीक्स नाम की पहाड़ी पर कब्जा जरूरी था क्योंकि इस पहाड़ पर तैनात भारतीय सैनिक चीन की आर्मी की पूरी मूवमेंट पर नजर रख सकते थे। ट्विन पीक्स के पहले एक और चोटी थी जिसका नाम था आईबी रिज। चीनी फौज को ट्विन पीक्स तक पहुंचने से रोकने के लिए इस चोटी पर सिख रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़े तैनात थी जिसमें 20 जवान थे। दूसरी तरफ चीनी फौजियों की संख्या 600 के आसपास थी। बुमला पर कब्जे के बाद उन्हें लग रहा था कि ट्विन पीक्स पर भी आसानी से कब्जा हो जाएगा, लेकिन उनके रास्ते में खड़े थे सूबेदार जोगिंदर सिंह। जोगिंदर पंजाब में मोगा जिले के महला कलां गांव के रहने वाले थे। उस वक्त मोगा फरीदकोट की एक तहसील ही होती थी। यहीं 1921 में जोगिंदर साहब की पैदाइश हुई और 1936 में वो फौज में भर्ती हुए। 1942 में उन्होंने बर्मा में जापानी फौज से लोहा लिया और 1948 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सिख रेजिमेंट के साथ श्रीनगर की लड़ाई में हिस्सा लिया। बुमला की लड़ाई के दौरान सूबेदार जोगिंदर सिंह सारी लड़ाई देख रहे थे। उनके सीओ लेफ्टिनेंट हरिपाल कौशिक ने जोगिंदर से टुकड़ी सहित पीछे हटने को कहा, लेकिन जोगिंदर सिंह पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सुबह 5 बजे आईबी रिज की लड़ाई शुरू हुई। चोटी के नीचे एक नाला था जहां से खड़ी चढ़ाई करते हुए चोटी तक पहुंचना होता था। इस चढ़ाई को पार करने के लिए पहली लहर में, फर्स्ट वेव जिसको कहते हैं फौज की भाषा में, करीब 200 चीनी सैनिक चोटी की तरफ बढ़े। चूंकि जोगिंदर की पोजीशन बेहतर थी इसलिए ऊंचाई का फायदा उठाते हुए उन्होंने चीन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इससे पहले कि उन्हें संभलने का वक्त मिलता, मिनटों के अंदर एक दूसरी वेव चोटी की तरफ बढ़ी। इस दौरान एक गोली जोगिंदर सिंह की जांघ पर लग गई। फिर भी वो मोर्चे पर डटे ही रहे, लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये थी कि उनकी गोलियां खत्म होने लगी थी। सूबेदार जोगिंदर ने और गोला बारूद मांगने की कोशिश की, लेकिन सारी कम्युनिकेशन लाइंस पहले ही कट चुकी थी। सैटेलाइट उपकरण भी काम नहीं कर रहे थे। अब यहाँ थोड़ा विषयांतर लेते हुए इस लड़ाई से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपके साथ शेयर करते हैं जो कम्युनिकेशन लाइंस की दिक्कत से ही जुड़ा है। 1962 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले मेजर जनरल के तिवारी इंडियन डिफेंस रिव्यू में लिखे एक आर्टिकल में इस किस्से का जिक्र करते हैं। हुआ यूं कि नामकाचू की लड़ाई से कुछ दिन पहले मेजर जनरल तिवारी और उनके साथी एक नदी को पार कर रहे थे। इस दौरान सिग्नल अफसर ने पिछली पोस्ट को अपडेट के इरादे से वायरलेस निकाला, तभी उसे एहसास हुआ कि बैटरी चार्ज करने वाला जनरेटिंग इंजन आया ही नहीं। तिवारी लिखते हैं कि सामान ढोने वाले पिट्ठों ने चार्जर रास्ते में गहरी खाई में गिरा दिया था। उनके अनुसार ये जानबूझ के किया गया था क्योंकि चीनियों ने कुछ आम लोगों को पक्का घूस खिलाई थी। बहरहाल किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं होता। कुछ आगे जाकर पता चला कि जो बैटरीज आई हैं उनमें एसिड ही नहीं है। पिट्ठों ने अपना बोझ कम करने के लिए सारा एसिड रास्ते में ही खाली कर दिया था। अब एसिड कहाँ से आएगा?
एक रास्ता था कि हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप करवाया जाए, लेकिन जब तिवारी ने एयरफोर्स से इस बाबत मदद मांगी उन्होंने इनकार किया। बैटरी के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती थी जिसे इस तरह ले जाना काफी खतरनाक हो सकता था, इसलिए मना किया था एयरफोर्स ने। मरता क्या ना करता, अंत में मेजर जनरल तिवारी ने एक जुगाड़ बैठाया। उन्होंने शराब की बोतलों में एसिड भरा और उसमें लिख दिया रम फॉर ट्रूप्स। एयरफोर्स की जानकारी के बिना इस तरह एसिड से भरी बोतलें हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई। तो कभी कभी इस तरह से समाधान भी निकाले जाते हैं फौज की दुनिया में। वापस मेन किस्से पे लौटते हैं। जोगिंदर और उनके साथी चोटी पर डटे हुए थे। गोलियां कम पड़ने लगी तो जोगिंदर ने अपने 3 साथियों को रसद लेने भेज दिया और खुद एक लाइट मशीन गन पर जुट गए। मशीन गन भी थोड़ी देर में ठंडी हो गई। अब तक उनके 10 साथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। 20 आदमी थे, 10 अब दुनिया में नहीं रहे। सुविधा जोगिंदर को मिलाकर अब 7 जवान बचे थे, क्योंकि जैसे हमने बताया 3 जवान गए हैं सप्लाई लाने गोलियां। हथियार के नाम पर उनके पास सिर्फ संगीने बची थी। जो बोले सो निहाल के नारे के साथ उन सातों ने संगीन पकड़कर आती हुई सेना पर चार्ज कर दिया और जितना लड़ सकते थे लड़े। लड़ाई कुछ देर में खत्म हुई। चीनी फौज को काफी नुकसान हुआ और पूरी लड़ाई के दौरान अकेले सुबेदार जोगिंदर ने 50 चीनी सैनिकों को निशाना बनाया था, लेकिन अंत में वो पकड़े गए। चीनी फौज ने बुमला पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इसके बाद वो आगे तवांग की ओर बढ़े। सुबेदार जोगिंदर सिंह का क्या हुआ? उन्हें पकड़कर युद्धबंदी बनाया गया और सेंट्रल तिब्बत में चोंगे नाम की एक जगह पर युद्धबंदी कैंप में ले जाया गया। सुबेदार जोगिंदर जब तक वहां पहुंचे तब तक उनकी स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। जांघ में गोली लगी थी उनके और उनके पैर की उंगलियों में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। बड़ी ठंड में ये लड़ाई लड़ी गई थी और बुमला पास भी ऊंचाई पर है। युद्धबंदी कैंप के डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि जान बचाने के लिए आपकी टांग हमको काटनी पड़ेगी, लेकिन सुबेदार जोगिंदर नहीं माने। उन्होंने जवाब दिया कि टांग नहीं रहेगी तो वो आगे लड़ेंगे कैसे, अभी लड़ाई चल रही है। चीनी अफसरों ने कैंप में मौजूद एक भारतीय सीओ को बुलाया। उन्होंने भी सुबेदार जोगिंदर को मनाने की कोशिश की, लेकिन सुबेदार जोगिंदर ने साफ इनकार कर दिया। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि 1963 में चीन ने युद्धबंदियों को भारत को सौंपा, लेकिन जोगिंदर उससे पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार भी तिब्बत में ही हुआ। देश को दी गई सेवाओं और अपने अदम्य साहस के लिए अक्टूबर 1962 में उन्हें मृत्युपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। जब चीनी अधिकारियों को इस बात की खबर लगी उन्होंने सुबेदार जोगिंदर के आखिरी अवशेष पूरे सम्मान के साथ भारत को सौंपे, क्योंकि उनको पता चला कि एक डेकोरेटेड वॉरियर की ये अस्थियां हैं। भारत में उनके अस्थि कलश को मेरठ स्थित सिख रेजिमेंट के सेंटर में लाया गया, जो रेजिमेंटल सेंटर होता है उनका। अपने साथियों से आखिरी विदा लेने के बाद ये अस्थि कलश सुबेदार जोगिंदर सिंह की पत्नी को सौंपा गया। आगे जाकर उनके सम्मान में उनके गृहनगर मोगा में एक स्मारक भी बनवाया गया, जहां सुबेदार जोगिंदर सिंह ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी वहां पर भी एक स्मारक बनाया गया बुमला, जिसे सेना ने अपने वीर सिपाही की याद में बनवाया। सुबेदार जोगिंदर सिंह के बलिदान को नमन करते हुए आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। इसे कमल ने लिखा था, विजय ने रिकॉर्ड किया था।